तो डीआरडीओ का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवा के सेवन से कोरोना से पीड़ित संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना होगा, वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। क्या क्या इस दवा की खासियत देखते हैं। भारत में कोरोना कहर का दूसरा नाम हो गया है। लाखों लोगों के लिए ये जानलेवा साबित हुआ है, करोड़ों को अपनी जद में ले चुका है। हालांकि वैक्सीनेशन का दौर भी जारी है, बढ़ती कोरोना रफ्तार के साथ कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास भी लगातार जारी है। इस बीच कोरोना को लेकर एक राहत की खबर सामने आई है। DCGI ने कोरोना के उपचार के लिए एक दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी दिखा दी है। जी हाँ, दवा का जिन संक्रमितों पर ट्रायल किया गया वो कामयाब रहा। दवा के क्लिनिकल ट्रायल सफल रहे हैं, संक्रमित तेजी से रिकवर हुए, साथ ही संक्रमितों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी पहले से कम रह गई। और दावा ये भी है कि दवा के इस्तेमाल से संक्रमितों की कोरोना रिपोर्ट बाकी संक्रमितों के मुकाबले जल्द ही नेगेटिव आ रही है, जो एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम शुरू किया था COVID-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy-D-glucose, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में, और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-deoxy-D-glucose भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाजत दी जाए, और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में, और फेज टू क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण और रेमडेसिविर की कालाबाजारी के बीच DCGI की ओर से 2DG दवा के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मध्यम से गंभीर लक्षण वाले संक्रमितों को उपचार के लिए दवा का इस्तेमाल हो सकता है। DRDO ने बताया कि एक सामान्य अणु और ग्लूकोज का एनालॉग होने के कारण ये आसानी से तैयार और मुहैया कराई जा सकती है। साथ ही दवा में अणु संक्रमितों की फास्ट रिकवरी में मदद करता है और ऑक्सीजन को लेकर निर्भरता भी घटती है। ये दवा पाउडर के रूप में आती है। दवा को पानी के साथ या फिर पानी में घोलकर लिया जाता है, जिसके बाद दवा कोरोना से संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरस के विकास पर अंकुश लगाती है। जाहिर है कोरोना बेकाबू है। एक तरफ बढ़ते मामले और लगातार होती मौत, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत ने देश में बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी ने सरकार की चिंताएं और बढ़ा दी है। ऐसे में ये राहत की खबर सामने आई है। इससे पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीनेशन और रूस से स्पुतनिक का भारत आना और अब 2DG दवा को मंजूरी, ये तस्दीक करता है कि भले ही कोरोना पे लगाम है, लेकिन कोरोना पर लगाम कसने में कोई कसर भारत ने नहीं छोड़ी। उम्मीद है जल्द ही इसमें कामयाबी भी मिल सके। ज्योति सांगवान, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।